Super advanced level of series 54. Theme is feeling secure no matter what. Today's topic is special murli and experiences of thoughts on uh, thoughts power. Welcome, you all, divine souls who are present in the session. We welcome Didi also. कल आपने जाना कैसे बाबा के साथ के अनुभव हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से शक्तिशाली बनाती हैं आज हम जानेंगे कि फरिश्ता स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है और किन बातों का पर अटेंशन रखना है जो दीदी द्वारा मुरली से सुनेंगे आज के मूल्य से लिए गए तीन शब्द है बाबा के मूल्य से लिए गए तीन शब्द है आज बाबा ने कहा कि आत्मा लाइट परमात्मा लाइट फरिश्ता लाइट आत्मा लाइट परमात्मा लाइट फरिश्ता लाइट इन शब्दों पर डिटेल्स में कल बताएंगे ओम शांति ओर टू दीदी ओम शांति गुड मॉर्निंग गुड संडे मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और हैप्पी गुरु पूर्णिमा सदगुरु शिव बाबा आज हमारे गुरु है अब हमको सच्चा सच्चा सदगुरु मिला तो इसलिए आज का गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा हमारे लिए बहुत विशेष है ओके ओम शांति बहुत अच्छा है सभी ने होमवर्क किया सभी सदगुरु शिव बाबा को अपना होमवर्क uh, सबने लिखा सबने तो नहीं लिखा भी व्यक्त महावाक्य सुनते हैं अगेन वो ऐसे थे ब्रह्मा बाबा से लिए गए महावाक्य है जिसमें बाबा ने जैसे पिछले बार हमने देखा था निश्चय बुद्धि का भी पॉइंट देखा तो उसी तरह आज साक्षी भाव और क्षमा भाव उस पर बाबा के महावाक्य चले हैं तो अभी हम सुनते हैं उस महावाक्य को बेशक होमवर्क बाद में कर ले अभी स्कूल चालू होने के बाद पीरियड चालू होने के बाद होमवर्क नहीं करते पहले करना था ओके ओके <laughs> okay, okay, थोड़ी देर में अवधेश बहन भी पहुंच जाएगी हमारे बीच में तो आज के बाबा के महावाक्य है शिक्षा देने के साथ साथ साक्षी और क्षमा भाव कैसे होता है शिक्षा साक्षी क्षमा सो यू आर एक्सप्लेनिंग रहे हैं, साक्षी क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है गुरु का काम ही है शिष्य को शिक्षा देना लेकिन वास्तविक वास्तव वास्तविक गुरु कौन सा है जो किस तरह की शिक्षा दे और कैसे शिक्षा दे बाबा हमारा सदगुरु है देखो वो कैसे हमको शिक्षा देता है पहला पॉइंट है उसमें इसमें पॉइंट वाइज है सारे साकार में बाप दादा बच्चों को शिक्षा भी देते थे लेकिन शिक्षा देते हुए भी सदा उपराम और साक्षी दृष्टा रहते थे तो शिक्षा साक्षी सो गिविंग द टीचिंग बट एट द सेम टाइम बिकमिंग ऑब्जर्वर हाउ डू वी बिकम एन ऑब्जर्वर जैसे आपने लास्ट टाइम क्लास किया था एक ऑब्जर्वर की ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर संकर्म और संकल्प तभी चलेंगे जब साक्षी व दृष्टापन की अवस्था होगी यही साकार के संपूर्ण स्थिति के लक्षण थे तो बाबा शिक्षा भी देते थे और फिर देन ऑब्जर्वर साक्षी अवस्था वन साहेब गिवन द टीचिंग्स उसके बाद साक्षी अवस्था ये है मैथ हाउ टू गिव टीचिंग्स कई बार शायद हम में से कईयों को ये संकल्प आता भी है कि uh, क्या करे इतना आ, मतलब बोलते हैं पर पता नहीं उनको कुछ असर ही नहीं पड़ता है हुँ? सोचते हैं सुना है लेकिन ये बैलेंस हमें शिक्षा करना है गिविंग शिक्षा और फिर ड्रामा की फीलिंग में अड़िग रहे इन अदर वर्ड्स कि अगर मैंने शिक्षा दी फिर उस आत्मा का जैसा पार्ट है वैसा ही वो प्ले करेगा तो अलूफ हो जाए शिक्षा दी फिर अलूफ हो जाए। अलूफ का मतलब है उस सीन से डिटैच कर दिया लेकिन अब उस सीन के लिए मुझे जो हेल्प चाहिए वाइब्रेशंस का वो हेल्प हम देते रहेंगे तो ये बाबा ने कहा सेकंड पॉइंट है कैसी भी अवगुण धार, अवगुणधारी आत्मा हो पुरुषार्थ हीन आत्मा हो उन आत्मा उन आत्माओं की बुराई को बुराई व कमजोरियों को कल्याणकारी होने के नाते पहले क्षमा करो वॉट डज क्षमा मीन कोई भी अवगु, अवगुण अवगुण व कमजोरियों को पहले क्षमा करो क्षमा का मतलब है कि उसके अवगुण मेरे चित्त पर नहीं हो शिक्षा देने के पहले चित्त मतलब इंप्रेशन किसी ने बड़ी गलती की पहले मैं इंप्रेशन बना लू उसके बाद कहूं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे बेहद का बाप शिक्षाएं देते भी बच्चों की बुराई व कमजोरियों को दिल में न समाये क्षमा करते हैं पूज्य देवता तो शिक्षा देकर देते हुए देने के पहले और देखकर क्षमा करना अंडरस्टैंडिंग द गिल्ट अंडरस्टैंडिंग द मिस्टेक्स चाहे वो कितना भी बड़ा मिस्टेक हो लेकिन फिर क्षमा करना तो क्षमा करना वन इज नो इंप्रेशन सेकेंड इज आई डोंट गिव द पनिशमेंट ऑफ हिज मिस्टेक टू माय माइंड दिस इज मेंटालिटी ऑफ क्षमा करना तो इसलिए बाबा ने कहा क्षमा करते हैं क्युं? क्यों क्योंकि पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं तो आप भी मास्टर रचता पूज्य आत्मा हो इसलिए किसी की भी बुराई व कमजोरी दिल पर न रख क्षमा करो सो so क्षमा करना दो बातें नो इंप्रेशन एंड नॉट गिविंग दैट पनिशमेंट फिर उस आत्मा के कल, कल्याण प्रति उसके वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करो फिर उस आत्मा के कल्याण प्रति वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए उसकी महिमा करो उसको उसे अपनी महानता की स्मृति दिलाओ जिससे समर्थी आ जाएगी तो पहले उसको चित पर नहीं रखे फिर उसके कल्याण के प्रति जस्ट फॉर हिज बेनिफिट आप ऐसे नहीं देखो आप इतने स्पेशल बच्चे हो आपने कितने, कितनी अच्छी जो उसकी वास्तविक महिमा है जेन्यून मिस्टेक है वो अच्छाई का वर्णन करो जो बाबा ने आज के महावाक्य में भी कहा ये तो आज हमने सिलेक्टेड लिया है बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही तो विशेषताओं जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगी किसी की स्पेशलिटी का ज्यादा वर्ण वर्णन करने से ऑटोमेटिक जैसे मैं आपको कहूं कि आप बहुत समझदार हो आप हर बात मुझ समझ के लेते हो ये महिमा मैंने की हो सकता है इतनी समझ नहीं आप में जितनी मैं महिमा कर रही हूँ लेकिन अब जब मैं महिमा करती हूँ दिल से क्या बहुत तो हमको क्या संकल्प आता है अगर मैं नहीं हूं तो वैसे बन जाऊ मतलब हमें लगता है कि एक्चुअली मुझे मेरे में वो नहीं है इतनी स्पेशलिटी लगता है जो महिमा करता है क्योंकि रियलिटी तो मुझे पता है ना सपोज मैंने दूसरे ने कितनी भी महिमा की मुझे अपनी रियलिटी पता है जैसे मुझे क्रोध आता है आप कहोगे ना शांति का बहुत अच्छा गुण है आप बहुत शांति वाली शांति प्रिय बच्ची हो आप मुझे उसका अपोजिट कहते हो बार बार क्या होता है ये सपोज आपको ऐसा है आपको मैं बार बार कहूं दिखाई दे रहा है कि क्रोध है लेकिन ये महिमा आपकी कहो कि आप में शांति की बहुत विशेषता है शांति प्रिय बच्चे हो क्या हो जाता है आपको और वो भी वास्तविक हो तो समवेयर वो डीप इनसाइड एक फीलिंग आती है कि मैं ऐसी नहीं हूं दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन जहां आत्मा अपने आप अपने जो भी लिमिटेशन uh, है उसको रियलाइज कर ले तो बाबा ने यही कहा कि जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उस, उसको स्वयं अपनी कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगी आपको कराने की जरूरत नहीं होगी जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव न करे तब तक परिवर्तन नहीं कर सकते हर कोई अपनी कमजोरी का स्वयं वर्णन अ, अनुभव अ, फीलिंग करे दूसरे कराए ये पॉसिबल नहीं तो इसलिए बाबा ने कहा कि उसके वास्तविक गुणों की महिमा करो पॉसिबल आज वापस वीडियो ऑन करना है रिक्वेस्ट सबको ओके थैंक यू तो बाबा ने ये कहा कैसे हम टीचिंग्स को और इसमें बैलेंस करें तो सेकंड तरीका है तो फर्स्ट था समझाओ आज फैमिली डे है ना संडे तो फैमिली डे के दिन क्या होता है हम पूरे हफ्ते के कभी कभी कुछ कुछ बातें अंदर रख के रहते कि ना अभी फुर्सत में होगा ना तो मैं समझाऊंगी बताऊंगी तो लेकिन अगर बताना भी है कुछ बातें रखी हो तो कैसे बताना है तो फर्स्ट मेंटली तो ये बाबा ने विशेष कहा दूसरा है साक्षी बनकर ब्राह्मण परिवार में कोई आत्मा कमजोर है तो उसे बार बार कहना नहीं कि तुम कमजोर हो चाहे कोई कितना भी कमजोर हो उसको इशारा भी देना है इशारा भी देना हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो पहले उसको किसी को इशारा भी देना है कि तुम ना ये ठीक नहीं करती हो कैसे कहना होता है हमको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है हम कितने इमीजिएट होते हैं पॉइंटिंग करने में कि नहीं ये ठीक नहीं है होता है? कितने इमीजिएट होते हैं फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी नहीं लगता है बट हाउ टू अलर्ट और इवन टेल अदर्स मिस्टेक बाबा ने कहा hmm. दस मिनट में दस मिनट में दस मिनट एक सेकेंड एक अर्जेंट कॉल आया सॉरी तो बाबा ने कहा कि आ, कोई चाहे कितना भी कमजोर हो उसको इशारा व शिक्षा भी देनी है तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो पहले उनकी विशेषता की महिमा करो फिर उसको आगे के लिए और श्रेष्ठ आत्मा बनने का साधन करो तो पहले उसको समर्थ बना के शिक्षा दो अब जैसे आपको दिख रहा है कि ये बहुत बोलती है योर डॉटर योर सिस्टर योर ब्रदर अब आपको बताना भी है सिख तो कैसे आप बताओगे ये बाबा ने मेथड बताया फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर इमीजिएट सेकेंड है कि फर्स्ट प्रेज देन रेज तो अर्थात उसमें बाबा ने कहा कि प्रेस करो अर्थात उसको बताओ कि देखो तुम्हारे में ये गुण है तुम्हारे में ये गुण है वॉट ऑल स्पेशलिटीज आपको पता है उसके बारे में बताओ कि आपके अंदर ना बहुत रॉयल्टी है आप बहुत मैच्योर हो वॉट एवर मेच्योर विच इज जेन्यून नो फ्लैटरिंग और उसके बाद फिर जो रियलिटी है वो बताना तो ये बाबा ने बताया फर्स्ट प्रेज देन रेस। तो क्या हुआ बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ फिर बीज डालो तो सहजी बीज का फल निकलेगा जैसे धरनी में कोई बीज डालना होता है तो पहले क्या करते हैं पहले हल चलाते हैं उसके बाद बीज डाला जाता है डायरेक्ट बीज डालते हैं इसी तरह हल चलाना जब हम उसको आपको मैं बताती हूं कि आप है ना देखो कितने समझदार हो जैसे ही बोला आपने वीडियो ऑन कर लिया जैसे ही आपको कहा आप, आप करने लग गए आप कितने आज्ञाकारी हो आप कितने समझदार हो वेन आई से दिस टू यू तो क्या होता है ड्यूरिंग दिस स्टेटमेंट्स आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है इन वर्ड्स एक करेज आ जाता है क्वालिटी पॉजिटिव क्वालिटीज आ जाती है अब किसी को भी इंजेक्शन देना हो तो अब क्या करते हैं अगर बीपी डाउन है इंजेक्शन देंगे प्लाज्मा लेवल डाउन है तो फिर कोई ऑपरेशन करेंगे इंजेक्शन नहीं सॉरी कोई ऑपरेशन करना हो तो पहले पैरामीटर्स को चेक करते हैं तो इसी तरह बाबा पहले उसकी हिम्मत को बढ़ाओ उसकी पॉजिटिव ब्लड को तो बढ़ाओ और उसके बाद फिर उसका सर्जरी करो फिर उसको शिक्षा दो बाबा ने कहा पहले धरनी पर हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ फिर बीज डालो तो सहजी बीज का फल निकलेगा नहीं तो हिम्मतहीन कमजोर संस्कारवश आत्मा मेहनत और समय ज्यादा लेगी नहीं तो हिम्मतहीन कमजोर संस्कारवश आत्मा मेहनत और समय ज्यादा लेगी क्योंकि अगर हिम्मत नहीं है और हम डायरेक्ट उसको कह दे तो क्या हो जाएगा हिम्मत इन देंस कोई चल नहीं सकता है और उसको बोले दौड़ो उसको चलने की भी ताकत नहीं है तो इसलिए जब हम उसको क्वालिटीज बताते हैं तो उसमें हिम्मत आती है फिर हम लाइट इंस्ट्रक्शन अगर तुम थोड़ा बोलने में थोड़ा अपना संभाल लो ना ये गुण ऐड करो कम बोलने का तो कितना अच्छा हो जाएगा दिस इज कॉल्ड हिम्मत नेक्स्ट फर्स्ट प्रेज देन रेज नेक्स्ट है साक्षी बनकर ड्रामा के हर दृश्य को हर एक आत्मा के पाठ को देखो किसी को शिक्षा देने का एक और अच्छा मेथड है जस्ट बिकम ऑब्जर्वर एंड देन सी द पार्ट ऑब्जर्वर बन के वेन यू सी द पार्ट तो यू आर अब जैसे हम इधर बोल रहे हैं यू आर एन ऑब्जर्वर न एक्चुअली सी मैनी थिंग्स ओवरऑल पिक्चर हो जाएगा जैसे आप वहां बैठे हो सामने तो आपको यहाँ का पूरा पिक्चर है मैं जो यहाँ बैठी हूं मुझे यहाँ का कुछ पिक्चर नहीं है जितना आपको है तो बींग डिटैच ऑब्जर्वर का मतलब बींग डिफरेंट फ्रॉम दैट सीन ऑफ द मिस्टेक एंड बीइंग पार्ट ऑफ द सीन का मतलब है ही इज डूइंग आई एम गेटिंग एंग्री सो दिसंग बट वन इज एक्टिंग अदर इज जस्ट ऑब्जर्विंग तो बाबा कह रहे साक्षी बनकर ड्रामा के हर दृश्य को व हर एक आत्मा के पार्ट को देखो तब किसी को भी क्षमा कर सकेंगे ये साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी है इस साक्षीपन की सीट तो बाबा ने कहा साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी होती है इस साक्षीपन की सीट पर स्थित रहकर किसी भी आत्मा को विशेष सहयोग व शिक्षा दे सकते हो ंग ऑब्जर्वर एंड देन सहयोग व शिक्षा समटाइम्स द सोल डजेंट नीड टीचिंग्स एक्सप्लेनेशन वट दे रही हूं मुझे शांत रहना आ नहीं रहा है आई नीड द पावर ऑफ साइलेंस आई डोंट नीड योर टीचिंग्स की प्लीज आप क्रोध आप कम किया करो आप कम बोला करो आप शांत रहा करो आई डोंट वॉन्ट योर टीचिंग्स तो बाबा कहते हैं तो किसी को शिक्षा किसी को सहयोग दे सकते बट वेन यू आर अवेर चाहिए क्या मदद देना भी चाहिए क्योंकि इससे बहुत मदद मिलती है जैसे कोई गरीब को अचानक बिगर मेहनत प्राप्ति हो जाती है ऐसे किसी भी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा सहयोग दिया जाता है तो वह आत्मा महसूस करती है कि हमको विशेष मदद मिली है साकार रूप में भी कई आत्माओं को एक्स्ट्रा सहयोग देने का सबूत दिखाया ब्रह्मा बाबा वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड कि जहां बाबा को लगता था कि इसको नहीं बोलना है उस समय उस आत्मा के प्रति बाबा केवल दृष्टि देते थे वाइब्रेशंस देते थे टू क्रिएट गुड थॉट्स फॉर दैट सोल वेन आई कुड सी द मिस्टेक अंडरस्टैंडिंग की वो मिस्टेक नहीं है लेकिन उस आत्मा की लिमिटेशन है और फिर टू क्रिएट गुड था है साक्षी यह है सहयोग देना तो वन ऑफ द सहयोग है ऐसे कुछ भी सहयोग हो सकता है नेक्स्ट है कोई आत्मा आपकी स्थिति को कितना भी तो इसलिए बाबा ने बताया कि फर्स्ट प्रेज डायरेक्ट इन पॉइंटिंग तो बाबा ने कहा यदि आप समझते हो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो हम क्या कर देते हैं मैंने कुछ कहा और उसने आ, सिर पे सिलवट कर दी और ये उसका मेथड है डीलिंग कभी भी मैं उसको कुछ कहूंगी वो अच्छे से तो हाँ करती ही नहीं है पर आ जाता है इमीजिएटली हम क्या कह देते क्यों बिकॉज आई एम एफेक्टेड तुम चेहरा क्यों बदलती हो अब उसने क्रोध किया चेहरा बदला मैं क्या कर रही हूं क्रोध कर रही हूँ दोनों ही क्रोध कर रहे हैं एक राइट एक रॉन्ग दूसरे रॉन्ग को कैसे ठीक कर सकता है तो यदि आप समझते हो कि यह काम अच्छा नहीं कर रहा है रॉन्ग कर रहा है तो यथार्थ कर्म न करने वाले को यथार्थ कर्म सिखाने व शिक्षा देने की विधि है कभी भी उसे सीधा नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो देखो लर्न द मैनेजमेंट बाबा से हम मैनेजमेंट सीखते हैं कभी भी उसे सीधा नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो नेवर बी डायरेक्ट इन पॉइंटिंग द मिस्टेक्स इट इज लाइक आपने किसी को चाकू डाल दिया हो सू चुबो दिया हो यह कहने से वह कभी नहीं बदलेगा सुई चुबोने से वो चिल्लाएगा या बदल जाएगा तो जैसे आग बुझाने आग बुझाने के लिए आग जलाई नहीं जाती है उस पर ठंडा पानी डाला जाता है ऐसे कभी भी किसी को पहले से रॉन्ग कहकर शिक्षा देना शुरू कर देंगे तो वह दिल शिकस्त हो जाएगा पहले उसको बोलो तुम तो बहुत गुस्सा करती हो तुमको तो कुछ समझ में नहीं आता है तुम तो ऐसी हो ठीक है वो उसकी मिस्टेक है डायरेक्ट कहने से वो पहले से ही नर्वस हो जाएगा देखो हमें सर्जरी करनी है पहले तो शरीर को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा ना पहले उसे अच्छा अच्छा कहकर थमाओ पहले पानी डालो फिर उसे सुनाओ कि आग क्यों लगी आग लग चुकी है उस समय आप बोलेंगे देखा तुमको समझ में नहीं आता है? अब उस समय आग लगते लगने के समय क्या चाहिए होता है भाई बुझाओ पहले वो जल रहा है उस समय बुझा उस समय डोंट गिव दम शिक्षा पर हम क्यों देते हैं क्योंकि हमको हम बहुत अटैच्ड है अगर मुझे क्रोध आया मतलब मैं बहुत अटैच्ड सीन से या उस व्यक्ति से इसलिए उस समय हमसे रहा नहीं जाता है बोल देते हैं फिर हम बाद में सोचते क्यों बोला मैंने मैं कितना सोचती हूँ नहीं बोलू लेकिन सोचने का मतलब क्या है थिंक योर सेल्फ टू बी वेरी डिफरेंट केवल सोचने से नहीं होता मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं नहीं बोलू पता नहीं तुम सामने आ जाते हो मैं बोल ही देती हूँ तो बाबा ने कहा ये नहीं करो पहले उसे अच्छा पहले यह नहीं कहो कि तुमने तुम ऐसे हो तुमने यह किया पहले उसे हिम्मत दिलाओ और अर्थात उसे क्षमा करो फिर शिक्षा दो हिम्मत दिलाना क्षमा करना इस कॉल्ड शिक्षा देना जैसे नेक्स्ट है बाप दादा कभी किसी को डायरेक्ट शिक्षा नहीं देते हैं मुरली में सुना देते हैं और अगर बेस्ट मेथड है शिक्षा देने का कि कभी बाबा डायरेक्ट नहीं देते हैं मुरली में सुना देते हैं राइट क्या है रोंग क्या है अगर कोई सीधा आकर पूछेगा कि क्या मैं रोंग हूं तो कहेंगे नहीं तुम तो बहुत राइट हो बाबा का ये मेथड था क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है जैसे पेशेंट देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया चार एग्जाम्पल हो गए आज सबसे पहले बाबा ने दिया था हल चलाने का बीज बोना होता है तो हल चलाना है दूसरा बाबा ने दिया था आग बुझाने का और तीसरा बाबा ने ये थर्ड एग्जाम्पल है बाबा पेशेंट की बात कर रहे हैं जैसे पेशेंट आखरी श्वास पर भी होता है तो भी डायरेक्ट उसे डॉक्टर कभी भी नहीं कहेगा कि तुम नहीं बच सकोगे किसी की दिल कमजोर हो और आप उसे ऐसी बात कह दो तो वह तो हार्ट फेल हो जाएगा नहीं? तो लास्ट श्वास तक डॉक्टर क्या कहते नहीं नहीं तुम ठीक हो जाओगे तुम ठीक हो जाओगे इसलिए शिक्षा देने के पहले उसकी धरनी को देखो क्षमा करो फिर शिक्षा दो रॉन्ग को रोंग बात समझानी है लेकिन थोड़ा धैर्य से इशारा दो लेकिन टाइम देखकर इसको कहेंगे शिक्षा देना इशारा भी दो लेकिन टाइम देखकर और नेक्स्ट है ओके तो ये बाबा की विशेष शिक्षा थी दो तीन समराइज कर देंगे कि फर्स्ट सी द द ऑफ़ सोल तो उसके बाद फिर उसकी धरनी को देखो और उसके बाद उसको शिक्षा दो और ये है बाबा का शिक्षा देने का तरीका ठीक है ओके हमारे बीच में